हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। यस, हाईली डिमांडेबल स्ट्रेटेजी जो आप लोग मुझसे काफी टाइम से बोल रहे थे, सर एक निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी लाइए प्योर प्राइस एक्शन बेस के। तो आप सभी लोगों का वेट इज ओवर नाउ। अब ये स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ इंट्राडे प्योर काम करेगा। और इस स्ट्रैटेजी में जो लोग कहते हैं कि सर पैसा नहीं बन रहा है हमसे इंट्राडे में निफ्टी में बैंक निफ्टी में, प्लीज कोई एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताओ, तो गाइस बिलीव मी, ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 80-85-90% तक की है। लिमिटेड ट्रेड आएगा, बट जब आएगा पावरफुल आएगा। बस आपको एक चीज करना है, हमेशा याद रखना, अगर पैसा बनाना है तो तीन चीज मार्केट में बहुत जरूरी है आपको फोकस करना। पहला क्या होता है, सबसे पहला साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी इन द सेंस आपको मार्केट पेन देगा, प्रॉफिट देने से पहले आपको पेन देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे पेन दे रहा है, तो मुझे सही टाइम पे एग्जिट करना है या फिर इस ट्रेड में बने रहना है। ये आपको प्योर साइकोलॉजी से समझना आएगा। जब आप मार्केट में टाइम दोगे, इस स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा सा टाइम दोगे, तब आपको एक चीज समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी। तो आपको ऐसा नहीं कि इस स्ट्रैटेजी को सुन के दो चार दिन फॉलो करके हटा देना है, कम से कम एक महीना फॉलो करना है, तब ये आपका साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा। दूसरा पावरफुल होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि बॉस आप कितने रिस्क पे ट्रेड करना चाहते हो, राइट? तो रिस्क जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कितने लॉट पे कर रहे हो, क्योंकि इसमें फ्यूचर में ट्रेड करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो कितने लॉट पे कर रहे हो। तो ये जो गेम है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इनिशियल लेवल पे आप 1-1 लॉट पे काम करना, और उसके बाद 2 लॉट पे, उसके बाद 4 लॉट पे, उसके बाद 8 लॉट पे, इस तरह से आप into 2 करते डबल करते चले जाना। तो ये एक तरीका है। तो कम से कम एक महीना, कम से कम 15 दिन आप सिंगल लॉट में काम करेंगे, 15 दिन के बाद आप 2 लॉट में आ जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक दिन 2 लॉट किया, एक फिर अगले दिन लॉस हो गया तो अगले दिन 1 लॉट पे किया, फिर लॉस हो गया तो तीसरे दिन फिर 1 लॉट पे किया, ऐसे नहीं भाई। फिर बोल रहा हूं मनी मैनेजमेंट, राइट? पोजिशनिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ईच एंड एवरी ट्रेड में आपका पोजिशनिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो पहले ही डिसाइड करो कितने लॉट में, तो उतने ही लॉट पूरे एक महीने तक आप ट्रेड करोगे। और तीसरा पावरफुल होता है जो आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, यानी कि साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी। यानी कि साइकोलॉजी 60% काम करेगी, 20% रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट काम करेगा आपके लिए, और 20% जो आज मैं आपको देने वाला हूं स्ट्रेटेजी काम करेगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो आपको कम से कम एक महीने इसको प्रॉपर फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपको साइकोलॉजी डेवलप हो पाएगी। और उसके बाद गाइस मैं चाहता हूं जो लोग इस चीज को प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे, प्रॉपर सीख जाएंगे, वो लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर 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 आके बताना कि बॉस ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपका कमेंट ही हमारी फैमिली को ग्रो कराएगा, क्योंकि दो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई रात को सपना है और मैंने आपको अगले दिन स्ट्रैटेजी दे दी। 12-13 साल की मेहनत से स्ट्रैटेजी बना के आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जस्ट बिकॉज आपको फ्री में हेल्प हो सके। किसी के पास टिप्स के लिए, किसी के पास पीएमएस सर्विस के लिए, किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत ना पड़े। हमारा मंत्र है लर्न एंड देन अर्न। तो चलिए आज मैं एक पावरफुल स्ट्रैटेजी आपको देता हूं, सिखाता हूं, यूज करना आपका काम है, पैसा बनाना आपका काम है। आइए ले चलता हूं आपको अपने सिस्टम की तरफ। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। पिरामिड स्ट्रैटेजी पार्ट 1 फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यस, प्योर इंट्राडे लवर्स, प्योर इंट्राडे लवर्स के लिए हमें काम करेंगे। और ये जो गिफ्ट है 1 लाख सब्सक्राइबर स्पेशल, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज किंग रिसर्च एकेडमी, परफेक्ट प्लेस फॉर लर्निंग, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। द ग्रेट पिरामिड स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप देख रहे हैं पिरामिड जो दो मैंने बनाए आप लोगों के लिए, पिरामिड ढूंढ के लाया हूँ गाइस। बस यही कॉन्सेप्ट है पिरामिड का, ध्यान से समझिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ।
ये पिरामिड घुस जाएगा, यही पिरामिड है, एक बड़ा रहेगा और एक साथ में छोटा पिरामिड रहेगा, जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू पिरामिड मिलेंगे तब बन जाएगा द ग्रेट पिरामिड स्ट्रेटजी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए प्योर इंट्राडे। तो क्या है स्ट्रेटजी समझ लेते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल 3 पॉइंट स्ट्रेटजी, 3 पॉइंट का आपको नजर रखना है, 3 पॉइंट पर नजर रखना है, एक हाई उसके बाद लो उसके बाद हाई, सिमिलरली एक लो उसके बाद हाई फिर एक लो, फॉर बेटर एक्यूरेसी यू हैव टू यूज इट आवर सीक्रेट टाइम फ्रेम। क्या है वो सीक्रेट टाइम फ्रेम, वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा, स्लोली स्लोली चला के देखिएगा, बीच में कहीं पे भी ये सीक्रेट में देने वाला हूं। नाउ सेल सेटअप की बात कर लेते हैं, क्या उसके रूल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जो काम करेंगे। नाउ वेट फॉर द फॉर्मेशन, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मेशन 1 राइट 1 2 3, यानी कि पहला स्विंग फिर एक लो एक स्विंग बनेगा, फिर सेकेंड स्विंग आएगा तब काम करना है। तो मार्क पॉइंट 1 2 3, इस स्ट्रेटजी की खासियत है आपको जो मार्क 1 है, जो भी मार्क जो भी वेव आपको कैलकुलेट करनी है वो 1 जो स्टार्टिंग होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है बाई कहां करना है सेल करना है। ध्यान से समझना, अगर 1 नंबर ऊपर है तो हम इसको सेल करने का सोचेंगे, और अगर 1 नंबर नीचे है तो हम इसको बाई करने का सोचेंगे। ओके, ऊपर है तो सेल करने का सोचेंगे, नीचे है तो बाई करने का सोचेंगे। थोड़ा सा फोर्स करो, दिमाग पे जोर लगाओ, कुछ 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 वुल्फ वेव वाला कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है गाइस, कम ऑन, वुल्फ वेव कुछ वैसा तो नहीं है, नहीं, बट थोड़ा सा लॉजिक वहां से लिया है। आइए मैं आपको ले चलता हूं। इन सेल सेटअप मेक श्योर दैट पॉइंट 1, कंडीशंस बता रहा हूं ध्यान से समझना आप, पॉइंट 1 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन पॉइंट 3, जो ये जो पॉइंट 1 होगा ये 3 से बड़ा ही होगा, ऊपर ये जो पहला वेव होगा ये बड़ा होगा हमेशा, राइट। ऑलवेज एंट्री 1.2 लेवल ब्रेक डाउन साइड, आपको एंट्री कहां लेनी है वो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं, 1 नंबर यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, और जब ये 3 बनने के बाद जब ब्रेक हो जाएगा, 1 के ऊपर नहीं जाएगा और बीच में कहीं पे भी आके ये ब्रेक होगा, तो 2 जो लो है उसके नीचे जैसे ही टच करेगा बॉस, तुरंत आपको एंट्री लेनी है, तुरंत आपको एंट्री लेनी है, एंड कीप स्टॉप लॉस एट हाई ऑफ 0.3। तो इसका जो यहां पे एंट्री मिलेगी, इसका जो इमीडिएट हाई है यानी कि 0.3 रहेगा, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। ये देखिए चार्ट, पहला वेव इंट्राडे, प्योर इंट्राडे, पिछले दिन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो पहला स्विंग बनाया, 1 नंबर आ गया, लो गया 2 नंबर, फिर थर्ड स्विंग बनाया, लो के ऊपर नहीं गया, बीच में ही रहा बॉस, जब ये गिरा हमें यहीं पे एंट्री ले ली थी, देख लीजिए आप 21,600 के आसपास हमारी एंट्री थी, वहां से नॉन स्टॉप आप देख सकते हैं 21,200 यानी कि ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट है। क्या टाइम फ्रेम, दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज स्टडी, ये मेहनत करने से मैं निकाला था, रिसर्च करता हूं तब निकलता है। टाइम फ्रेम का अपने आप में एक जादू होता है दो स्टॉक मार्केट में, जैसे क्रिकेट में टाइमिंग का इंपॉर्टेंस है ना, बॉल अगर टाइमिंग आपकी परफेक्ट है तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी, सिमिलरली अगर स्टॉक मार्केट में आपकी टाइमिंग परफेक्ट है तो बॉस स्ट्रेटजी, वही फेलियर स्ट्रेटजी आपकी पावरफुल बन जाती है, राइट। तो अब मैं बाई सेटअप की बात करूंगा, वेट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, यानी कि पहला लो बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ वन रखेंगे, ओके ध्यान से समझना, अगर नीचे वन है तो बाई करने का सोचेंगे, ऊपर वन है तो सेल करने का सोचेंगे। मार्क पॉइंट 1 2 3, आफ्टर दैट इन बाइंग सेटअप मेक श्योर दैट द पॉइंट 1 शुड बी ऑलवेज लोअर देन 0.3, ओके क्लियर। द पिरामिड स्ट्रेटेजी बाइंग सेटअप, फिर से सुनो, एंट्री की बात करता हूं, तो पहला जो स्विंग 1 बना है, जो ये हमारा पहला स्विंग 1 बन गया, राइट, पहला स्विंग 1 बना, ध्यान से देखो ये पहला स्विंग 1 बना, तो सपोर्ट पे 1 लिया, वुल्फ वेव को याद करो कहानी, वुल्फ वेव में 1 कैसे बनता था, राइट। तो पहला 1, उसके बाद एक स्विंग आया 2, फिर एक स्विंग आया
थ्री और उसके बाद 1 2 3 फॉर्मेशन बनेगा, तो इसी 2 के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यही जो लो बना था इमीडिएट, जो एक स्विंग का लो बना था वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉप लॉस एग्जैक्ट मत लगाना, 1 or 2 पॉइंट्स कुछ ऊपर नीचे कर देना भाई, निफ्टी में 0.2 रुपीज़ का थोड़ा सा नीचे ले लेना और बैंक निफ्टी में कुछ 10 पॉइंट्स का आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस बफर में लगा लेना, बाय डिफॉल्ट ही आप चीज समझ सकते हैं, राइट? ये देखिए एंट्री पॉइंट, ये आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए लाइव चार्ट के अंदर आप देखिए मेरे भाई, आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा छोटा करके, ये देखो प्रॉपर स्विंग है ना। तो 16 जून कहां पे हमारा खुलते ही 7 मार्केट डाउन, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। बॉस ध्यान से समझना इस चार्ट को, ध्यान से समझना इस चार्ट को, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में बने, बीच में कहीं भी बन सकता है, राइट? तो पहला स्विंग लो, उसके बाद एक हाई, उसके बाद एक लो, लेकिन इसने क्या किया, जो 1 नंबर था उसके नीचे नहीं गया है। तो 1 नंबर नीचे है तो आपको क्या करना है, बाइंग करने का सोच रहे हैं, नो सेलिंग एट ऑल, बिल्कुल नहीं करना है, वो रॉन्ग सेटअप है। तो आपको बाई कब करना है, ये जो 2 नंबर का हाई है इसको जैसे ही इस कैंडल ने आपका तोड़ा है आपको इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे बाई करना है। और आपको भले ही कुछ नहीं मिला बट प्रॉपर आप फॉलो करिए, यहाँ पे 450 से भाई 450 से 650 के आसपास, सॉरी गाइस 200 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिला है। और आप काम करते हो 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, बहुत हो गया तो 100 रुपये, देखो 200 पॉइंट आराम से मिल रहा है, आराम से, ठीक है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस ध्यान से समझना, प्रॉफिट बुकिंग जो सबसे बड़ा बैरियर है आप लोगों का, एंट्री ले लेते हो, स्टॉप लॉस लगा लेते हो, प्रॉफिट कहां बुक करना है, ये स्ट्रेटेजी के अंदर गाइस मैं बात करूंगा 1:1 की। और ये स्ट्रेटेजी की जो खासियत है, प्रॉफिट बुकिंग एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस is most important in this particular strategy. In this strategy, trying to work with the multiple lots, आपको जो ट्रेड करना है ये strategy थोड़ा सा number of quantity ज़्यादा का game है, लेकिन जो छोटे players हैं वो starting के 15 दिन में, मैंने पहले starting बताया था, starting के 15 दिन में आपको एक एक lot पे काम करना है, उसके बाद 2 lot पे काम करना है और book 50% profit in 1:1 and rest 50% hold with the stop loss at cost. और ज्यादा क्वांटिटी करोगे तो और मजा है, इसका मजा ही मजा है मेरे भाई, छोटा नहीं बड़ा नहीं, बहुत प्यारा रिजल्ट है, लिमिटेड कॉल्स आता है लेकिन परफेक्ट रिजल्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा सारे रिजल्ट्स, राइट? तो जो एक सीक्रेट था, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, देखो अभी चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यस 10 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, ध्यान से समझना, 10 मिनट का, रिपीट कर रहा हूं, 10 मिनट का चार्ट लगाना है। कौन सा चार्ट लगाना है, स्पॉट का लगाना है, निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट, स्पॉट को देख के आप फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हो, स्पॉट का देख के आप फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हो, ये चीज मेरी बात ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम से कम 1 महीना फॉलो करना, रिजल्ट आई विल टेल यू। देखिए लाइव बैक टेस्ट में आपको दिखाता हूं किस तरह से, राइट गाइस? सो ये देखिए आपके सामने है 6 मई का, राइट? लो मारा, एक हाई आया, 1 मारा, एक हाई आया, स्विंग आया, 1 2 3, 1 के ऊपर नहीं गया बॉस, और देखो 2 के नीचे हमें सेल करना था, हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई है, हमारा ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, बूम 1:1 मिले तो प्रॉफिट बुक। और ज्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो 1:1 में 50% बुक, रिमेनिंग 50% यू कैन होल्ड इट विद स्टॉप लॉस ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, तो ये आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री कहां मिली, यहां पे मिली, बूम, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री कहां मिली, यहां पे मिली, बूम, फर्स्ट, देखो नॉन स्टॉप जाता रहा, स्विंग की बात करूंगा सर मैं, ध्यान से समझना, स्विंग होना चाहिए एक, ये देखो कितना अच्छा कितना प्यारा स्विंग है, उसके बाद देखो नीचे फिर रिजेक्शन हो गया, ऊपर ब्रेक ही नहीं कर पाया, हाई को ब्रेक नहीं किया तो ये रिजेक्ट हो रहा है, तो एक पिरामिड टाइप का आपका बन रहा है, 2 पिरामिड्स बन रहा है, द ग्रेट पिरामिड,
तो बस इसे 2 के नीचे सेल कर रहा था, देखो नॉन स्टॉप डाउन। देखो यहाँ पे कैसे ब्लफ किया जाएगा आपके साथ, मार्केट में क्या नहीं करना है क्या करना है वो ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पे मैंने कांटा लगाया क्यों, हाई 1 2 क्या हुआ, 1 के ऊपर निकल गया इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। अगर 1 के नीचे रहता तो मैं इतना पावरफुल मानता, ये गिर गया है इसका मतलब ये नहीं कि भैया फॉलो कर लोगे, नहीं, रूल इज रूल, स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 आया बूम, 1 नीचे था तो बाई करने का है बूम। सिमिलरली देखो बैक टू बैक 3 days काउंटिंग प्रॉफिट 15 June का, 1 शार्प फॉल, 1 2 3 बूम, 1 2 टॉप पे 1 है तो सेल करने का सोचना है, 1 2 3 बूम। ये देखिए भाई 1 2 3 क्या यहां पे एंट्री लेनी है बताइए, टेल मी गाइस क्या हमको यहां पे एंट्री लेनी है? यस, बिंदास लेनी है, क्योंकि एक लो बनाया, 1 आया 2 आया 3 आया, हमारे को एंट्री यहां पे मिली ये, लेकिन लॉस बुक हो गया, स्टॉप लॉस भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये एक स्टॉप लॉस है हमारा। अगले ही दिन 1 2 बूम, जो हमारा लॉस था सारा का सारा रिकवर हो गया। और तीसरे दिन देखो बॉस 1 2 3 इसने भी नॉन स्टॉप देखो कितने पॉइंट की रैली है, कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो इन चार्ट के साथ। 1 2 3 बूम, 1 2 3 बूम, क्या ये रैली आया है? नहीं, 1 के नीचे निकल गया बॉस तो नहीं लेंगे इसमें, भले ही चाल चल गई है बट इग्नोर, प्रॉपर सेटअप फॉलो करना है। 1 2 3 बूम, देखो कितना शार्प फॉल हुआ है, पैनिक क्रिएट हुआ है बॉस, बॉस 1 2 3 बूम, 1 2 3 क्या करना है, कंडीशन मैच और नॉट? नहीं बॉस, देखो 1 को इसने तोड़ दिया, हल्का सा भी हाई मारा तो वो कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 देखो शार्प फॉल, 1 2 3 1 2 3 ये देखो 1 2 3 बूम, 1 2 3 बूम, 1 2 3 देखो बच गया, लो नहीं टूटा और देखो क्या रॉकेट बनाया, नॉन स्टॉप बैंक निफ्टी एक तरफ। अब बैंक निफ्टी के देख लो भाई, 1 2 3 रॉकेट बनाया, राइट 1 2 3 ये देखो, राइट 1 2 3 रॉकेट, 1 2 3 फॉल, एक दिन चढ़ाया दूसरे दिन गिरा दिया, स्ट्रेटेजी में गिरा दिया, आप ट्रेंड के साथ हो बॉस, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप ट्रेंड के साथ हो, मार्केट पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो। ये देखो कितना ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट मिला है, पॉइंट कैलकुलेट कर लेना भाई, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूं गाइस, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रॉपर इस स्ट्रेटेजी को फोकस करो, और 1 महीने बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटेजी, पावरफुल है कि नहीं है, बैक टेस्ट करो फिर बताओ, राइट? तो फर्स्ट यू लर्न देन रिमूव एल, यानी कि लर्न में से एल हटा दोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे। स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में दिक्कत करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, जो बैक टू बैक आप काम करोगे ना पैसा अपने आप आएगा, झक मार के आएगा। तो गाइस मेरा आपसे एक और कमिटमेंट एडवांस है, 10,000 लाइक इस वीडियो पे दे देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, 10,000 लाइक जैसे इस वीडियो में आएगा मेरा आपसे प्रॉमिस है मैं एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, आवर मोटो लर्न एंड देन अर्न। और अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद, घर पे रहिए सर और सेफ रहिए, थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो।